दोस्तों 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह उपछाया ग्रहण होगा जो भारत में नहीं दिखाई देगा और इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण 5 जून को रात 11:15 पर लगेगा जो 6 जून की सुबह 2:34 पर खत्म होगा। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर पड़ता है। इस समय 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं। राहु केतु के अलावा इस समय शनि, बृहस्पति, शुक्र और प्लूटो ये चारों ग्रह भी वक्री चल रहे हैं। ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि पर पड़ने वाला है। ज्योतिष के अनुसार जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। मेष राशि, परिवार के सदस्यों की सेहत पर ध्यान दें। मन में कई तरह के तनाव आ सकते हैं लेकिन आपको वाद विवाद से दूर रहना है। मकान और घर को लेकर समस्याएं आ सकती हैं और निर्णय लेने में कुछ कठिनाई आ सकती है। इस दौरान आपको खुद को संभाल कर रखना है। ग्रहण काल में मंत्र का जाप कर अपने राशि के स्वामी मंगल को प्रबल करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ और चावल का दान करें। वृषभ राशि, इस ग्रहण का असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा और आपका कोई संबंध अचानक खत्म हो सकता है। किसी के साथ व्यापार में साझेदारी खत्म हो सकती है। इसकी वजह से आप थोड़े तनाव में आ सकते हैं। अपने और अपनी पत्नी के सेहत का विशेष ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच मन मुटाव भी हो सकता है। ग्रहण काल में शुक्र के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल के बाद किसी गरीब व्यक्ति को दूध का दान करें। मिथुन राशि, आपको इस दौरान किसी महिला के आरोपों से बचकर रहना है। किसी महिला से इस कदर अनबन हो सकती है कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं और थोड़ी सेहत भी खराब हो सकती है। इस राशि की महिलाओं को भी अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कर्ज का कोई मामला परेशान कर सकता है। धन के मामले में भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। बुध के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद किसी निर्धन को मीठी खीर दान में दें। कर्क राशि, चंद्र ग्रहण लगने पर कर्क राशि वालों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस राशि के स्वामी चंद्रमा ही हैं। ये ग्रहण आपके लिए थोड़ी परेशानी ला सकता है। रिश्ते, शिक्षा और संतान, इन तीनों तरफ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। रिश्तों में गलतफहमी से बचकर रहने की जरूरत होगी। आपके लिए इंद्र गायत्री मंत्र बहुत लाभकारी रहेगा। ग्रहण के 15 दिन के आसपास अपनी माता को चांदी का ग्लास दें। सिंह राशि, इस ग्रहण काल के दौरान आपकी माता को तनाव हो सकता है। उनकी सेहत पर ध्यान दें। घर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। माता के साथ कोई वाद विवाद करने से बचें। छोटी छोटी बातों को लेकर भी घर में तनाव हो सकता है लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है। ग्रहण के बाद गुड़ और चीनी दोनों का दान करें। कन्या राशि, इस दौरान आत्मविश्वास में कमी आएगी और आपकी किसी के साथ दोस्ती खत्म हो सकती है। भाई बहनों के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ज्यादा हो सकती है। पार्टनरशिप में लाभ की स्थिति भी बिगड़ सकती है। घर में बड़े और छोटे दोनों की सेहत का ध्यान रखें। ग्रहण काल में बुध के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण खत्म होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को हरी सब्जी का दान करें। तुला राशि, इस ग्रहण काल के दौरान आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा वरना आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें। मुंह, दांत और आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। तनाव भी बढ़ सकता है। ग्रहण काल में शुक्र के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को घी का दान करें। वृश्चिक राशि, चंद्र ग्रहण आपकी ही राशि में पड़ रहा है। इसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। इस दौरान आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा और आपको इससे काफी मदद मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि पूजा पाठ के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। स्थिति इतनी खराब नहीं होगी जितनी आपको महसूस होगी। जब मन विचलित हो तो इंद्र गायत्री मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद एक तांबे के लोटे में दूध भरकर शिव मंदिर के सामने रख आए। धनुराशि, इस दौरान आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब हो सकती है। किसी भी तरह का नकारात्मक विचार न लाएं। आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा। आपको बृहस्पति मंत्र का जाप करने की जरूरत है। किसी निर्धन व्यक्ति को एक पैकेट हल्दी का दान करें। मकर राशि, आपके धन लाभ में कमी होगी। कहीं से पैसा आना होगा तो अचानक रुक जाएगा। जीवन साथी से तकरार और सहयोग में कमी आ सकती है।
परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के संबंध खराब होंगे। किसी एक रिश्ते पर ध्यान देने के बजाय सारे रिश्तों को प्राथमिकता दें। शनि के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण खत्म होने पर एक पैकेट दूध और सरसों का तेल गरीब व्यक्ति को दान करें। कुंभ राशि, पिता की सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपके शत्रु प्रभावी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई महिला आरोप लगा सकती है और वो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। शनि के मंत्रों का जाप करें। ग्रहण काल खत्म होने के बाद सरसों के तेल या 5 सफेद मिठाई का दान करें। मीन राशि, धर्म को लेकर किसी बात पर संदेह कर सकते हैं। वाहन और यात्राओं से जुड़ी समस्या आ सकती है। बच्चों के सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दें। शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देने की आवश्यकता है और संबंधों में गलतफहमी न आने दें। ग्रहण काल के दौरान बृहस्पति मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल के बाद चने की दाल का दान करें। साल 2020 में 4 चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं जो कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नजर आएंगे। साल 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 से 11 जनवरी को लगा था। ये ग्रहण 10 जनवरी रात 11:37 पर मिथुन राशि में पड़ा था। ये ग्रहण भारत समेत पूरे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में नजर आया था। हालांकि ये एक प्रच्छाया ग्रहण होने की वजह से मान्य नहीं था। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। ये ग्रहण रात 11:15 से प्रारंभ होगा जो 6 जून की सुबह 2:34 पर खत्म होगा। ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में होने वाला है। 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई रविवार को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 8:38 से प्रारंभ होगा और 11:21 तक रहेगा। दिन में होने की वजह से भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण पूर्णिमा के दिन धनु राशि में लगेगा। इस साल का चौथा और आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा जो कि 1:34 से प्रारंभ होगा और शाम को 5:22 तक रहेगा। दिन का समय होने की वजह से भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहण रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में होगा। तो ये थे दोस्तों 5 जून को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। जाने क्या होगा आपकी राशि पर असर।